नमस्कार भाई, मैं मनोज यादव सऊदी अरब से। मैं यहाँ दमाम शहर में हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल गल्फ इंडियंस पर। मैं यहाँ पे एक फैमिली ड्राइवर हूँ और कुछ वीडियो बनाता हूँ अपने उन लोगों के लिए जो लोग है नए हैं, आ रहे हैं, मालूम नहीं है कैसा है, कैसा देश है, कैसा काम करना है। थोड़ी सी मदद कर रहे हैं बस यही है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जुर्माना बहुत होते हैं, जो ट्रैफिक नियम बहुत हार्ड हैं, बहुत मुश्किल होती है, बड़ी परेशानी होती है। और जुर्माना इतने हैं कि ये समझ लीजिए कि जितना पैसा लगा के आते हो उतने बार में अगर एक सिग्नल टूट गया तो लगभग 3,000 रियाल जुर्माना आ जाता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नए लोग जो आते हैं उनसे ऐसी गलतियाँ ना हो पाएँ। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। अच्छा लगे आपको तो दूसरों तक पहुँचाना। एक्सप्रेस रोड पे चल रहे हैं, हो सकता है टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे, वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए, लेकिन उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा जो लोग नए आ रहे हैं। तो गाड़ी रोक के देखना ज़रूर है। अलातूर घूम के सीधे रोड पे नहीं आ जाना होता है, क्योंकि बड़ी परेशानी हो जाती है। कोई ज़रा सी दिक्कत होगी ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ये जो रोड पे हम चल रहे हैं, इस रोड की लिमिट 80 किलोमीटर पर गावा रहे हैं। हर रोड की लिमिट अलग है, छोटे छोटे कैमरे लगे होते हैं और रोड पे स्थाई कैमरे जो मालूम है वो तो मालूम है कि स्थाई लगे हैं, लेकिन जो पोर्टेबल है अभी इधर रख दिए कभी किधर रख दिए, उनमें ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। वीडियो देखते रहिए, रास्ता देखते रहिए, मजा ले वीडियो का। आज फ्राइडे है, शुक्रवार का दिन है, सन्नाटा है पूरा, धूप भी बहुत हो चुकी है, बाहर का तापमान 35 डिग्री है। सिग्नल खुलने वाला है। भाई अगर सिग्नल रोड पे खुला हुआ मिल गया, जैसे ये हम जा रहे हैं सिग्नल ओपन है अभी हम जा सकते हैं, तो इसमें जो रोड की स्पीड लिमिट है 80 है, लेकिन उससे भी 10 किलोमीटर हमको नीचे चलना है सिग्नल पे, क्योंकि जो कैमरा है वो स्पीड का मार देगा जुर्माना। सिग्नल खुला होने पर भी 10 से 15 किलोमीटर स्पीड नीचे चलाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ट्रैफिक के नियम। अगर ट्रैफिक के नियम को ठीक से समझ लिए तो यहाँ पे गाड़ी चलाना बहुत ही आसान है।
ये दूसरा ही सारा आ गया, रेड लाइट, नहीं जा सकते। सिग्नल खुल गया। अभी हम हाईवे रोड पे, यहाँ से हाईवे रोड पे आ जाएगा, ये हाईवे रोड है आगे, यहीं से हाईवे ख़त्म होता है, यहीं से शुरू होता है। अब यहाँ से हमारी गाड़ी की स्पीड की लिमिट जो है 100 किलोमीटर है। अगर नहीं मालूम पड़ता है, कहीं नहीं लिखा है, तो रोड के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोल लगे हैं, ये पोल, ये जो बड़े बड़े पोल लगे हैं, यहाँ पे 100 की लिमिट है, कम से कम 100। अभी जो खंभे देख रहे हैं लाइट के आप, ये बड़े बड़े खंभे होंगे तो 100 की स्पीड में जाना है वहाँ, लगभग एक अनुमान यही है हर जगह पे। और जितनी स्पीड है, जैसे 100 की है, तो इस पे मैं अभी 90 चल रहा हूँ, 10 नीचे ही चलो। ये कैमरा लगा हुआ दाहिनी तरफ छोटा सा, ये देखो, यहाँ से हमको दाहिने जाना है। रोड पूरा खाली है, कोई हो ना हो, लेकिन इंडिकेटर जरूर लगाना है, क्योंकि कोई भी कितनी भी स्पीड से आ सकता है। इस जगह का नाम है मीना कुबरी। यहाँ से बाएं तरफ सी पोर्ट है। शुरू शुरू में रास्ते समझ में नहीं आते, बड़ी परेशानी होती है, सारे रास्ते एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद समझ में आने लगता है। अभी हमें 2 साल होने वाले हैं। बाईं तरफ जाएंगे तो सी पोर्ट चले जाएंगे, सीधा सी पोर्ट के लिए गया, हमको दाहिने जाना है। यहाँ पे रोड की लिमिट 90 है। ये देखिए दाहिनी तरफ बोर्ड लगा हुआ है पीले कलर का। ये आगे ब्रिज आ गया। यहाँ जो भी कुछ चेंज होएगा वो ओवर ब्रिज से ही चेंज होते हैं। ओवर ब्रिज के आगे कुछ है तो उसकी तरफ कुछ है। अभी जिस ब्रिज पर हम जा रहे हैं, इस ब्रिज के उस तरफ से स्पीड बढ़ जाएगी, 110 हो जाएगी गाड़ी की लिमिट जो है।
अभी हम 90 पे हैं। अब यहाँ से स्पीड 110 कर दी जाती है, लिमिट जो है गाड़ी की। अब इधर दाहिनी तरफ इंडस्ट्रियल सिटी है। स्पीड लिमिट कितनी है आपको, जितने में चलना है, 90 पे 110 है, 120 है, आपको 100 पे चलना है आप 100 पे चलते रहिए, 90 पे चलते रहिए, ज़्यादा धीरे नहीं चलना है। हम शहर से बाहर आ चुके हैं। इस सीधा रोड रियाद के लिए जाता है। यहाँ आगे जो है सऊदी की तेल कंपनी है अरमको, जहाँ से तेल निकलता है। ये जो पीला बोर्ड लगा है दाहिनी तरफ, अगर बालू उड़ती है रंबल, तो उसके लिए लिमिट स्केट की बताई है 15 किलोमीटर, 20 10 किलोमीटर। छोटी गाड़ी के लिए 15 किलोमीटर, बड़ी के लिए 10 किलोमीटर, क्योंकि जब बालू उड़ती है तो कुछ दिखाई नहीं देता है। अब आगे बालू का एरिया है पूरा। बाई तरफ जो है सऊदी की तेल की कंपनी अरमको है। अभी यहाँ पे 110 की स्पीड है। ये ओवर ब्रिज जो ऊपर से गया, इसको क्रॉस करेंगे, गाड़ी की 120 की लिमिट है आगे से।
अब यहाँ से स्पीड 120 की लिमिट है। ये पोर्ट से ट्रक आ रहे हैं सब। कुवैत, बहरीन, रियाद, हसा, ये बाई तरफ रूट में लगा है डिवाइडर, बीच में ये स्पीड लिमिट 120 और ये स्पीड कैमरा लगा हुआ है छोटा सा, देखोगे ये लगा है। कैमरे भी कई तरह से होते हैं, कोई सीट बेल्ट चेक करता है, कोई स्पीड चेक करता है, ट्रकों के लिए होते हैं, कोई जो है नो एंट्री का लगा होता है। कोई भी किसी तरह की अगर गड़बड़ी होती है तो कोई पुलिस आके नहीं रोक पाएगी, इतने कैमरे ही लगे हैं, उसी में आपका जुर्माना कट जाता है। सब कुछ डिजिटल है। यहाँ आगे से हमें दाहिनी तरफ जाना है। ये देखिए गाड़ी का बोनट खुल गया चलते चलते, अरे बाप रे। एक ये छोटा सा कैमरा रखा है। हमें दाहिने जाना है यहाँ से। अगर वीडियो आपको पसंद आता है लाइक करो, दूसरे के पास भेजो। बस एक कोशिश कर रहा हूँ
जो हमारे नए भाई लोग आ रहे हैं उनके लिए, ताकि कोई परेशानी ना हो पाए। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जुर्माने की, क्योंकि अगर शुरुआत के पहले 2 महीने 3 महीने में ज़्यादा परेशानी होती है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है शुरुआत के पहले हफ्ते में जब गाड़ी चलाना शुरू करते हैं। कुछ मालूम होता नहीं है, सिग्नल इशारा क्या, क्योंकि कैमरे का सिस्टम है ना, सिग्नल इशारा तो मालूम होता है लेकिन कैमरा फ़ोटो खींच लेगा ये नहीं मालूम है, और कितना जुर्माना काट लेगा ये नहीं मालूम है। जुर्माना इतना काट देगा कि जितने पैसे आप लगा के आओगे उतना पैसा जुर्माना काट लेगा। ये बाईं तरफ है दमाम मॉडर्न ड्राइविंग स्कूल, यहाँ पे यहाँ से दाहिने अंदर जाना है, इधर हमें ये है दमाम शहर, सिटी के बाहर बाहर से होके आए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का रेलवे स्टेशन, फिर यहाँ से दाहिने जब तक रास्ते नहीं मालूम होते हैं बहुत परेशानी होती है। यहाँ से बाएं ये दाहिनी तरफ पेट्रोल स्टेशन है,
आ गए जहाँ हमें आना है, आगे घर है, सामान देने के लिए आए थे। काफ़ी दिनों के बाद खाली समय मिला था, हमने सोचा एक वीडियो ही बना दे। हो सकता है काफ़ी आपको आसानी हो इस वीडियो से। आ गए हम जहाँ आना था। कैसा रहा वीडियो भाई? अच्छा लगा तो औरों तक जरूर पहुँचाना। ये एक लिफाफा देने के लिए मैं आया हूँ वहाँ से। खैर जो भी हो, इसमें लिफाफा दे दिया, अभी चलते हैं वापस घर और देखते हैं अभी दूसरे रास्ते से जाना है। ओके, देखिए कितना सन्नाटा है यहाँ पे। देखिए कितना सन्नाटा है यहाँ पे, कोई दिखता ही नहीं। यहाँ से बाय हाईवे रोड के ऊपर चढ़ जाना है। वीडियो कुछ लंबा हो रहा है, लेकिन भाई मैं कोई एंटरटेनमेंट का तो बनाता नहीं हूँ, जानकारी है। यहाँ पे अपना 100 की स्पीड से चलना। अगर भाई लोग आप लोग का एजेंट सही है तो कोई ख़ास समस्या नहीं होती है, मेन चीज़ एजेंट की है। यहाँ पे ढूंढने से आप कितना भी रिश्तेदार से वीज़ा पकड़ो, कुछ भी पकड़ो, ये देखिए कैमरा लगा हुआ है, ये है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कितना भी आप रिश्तेदार से वीज़ा पकड़ो, किसी दोस्त से पकड़ो, कुछ नहीं होने वाला। अगर आदमी सही है, सही आदमी के पास मिल गया तो ठीक है। परेशानियां हर जगह मिलेंगी,
आपने अगर एजेंट सही चुन लिया ना तो कोई समस्या नहीं होने वाली। जितना समय आपने वहाँ लगा दिया एजेंट को ढूंढने में, अगर अच्छा एजेंट पा गए तो लाइफ सेट है इस नौकरी के हिसाब से। शुक्रवार के दिन देखिए कितना सन्नाटा होता है। सब चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी हैं। ये बाईं तरफ है रोड के उस तरफ ब्रिज पार करके, वो है माल। आगे रेलवे स्टेशन है। किसी गाड़ी को बाईं तरफ से नहीं ओवरटेक करना है। सॉरी, दाहिने से ओवरटेक नहीं करना है। ये उत्थैम माल है। घूम गया हम इधर स्टेशन की तरफ। यहाँ 50 किलोमीटर है, शहर के अंदर 30, 50, 40 ऐसे।
ये रेलवे स्टेशन है, ये ट्रेन खड़ी हुई है। पीली पट्टी के अंदर पार्किंग है, रोड पे आप पार्किंग गाड़ी का लगा सकते हैं। ये है स्टेशन, स्टेशन पे भी देखिए कोई भीड़ भाड़ नहीं है खास। ये स्टेशन सऊदी का, सिग्नल बंद है। इस जगह का नाम है इस्कान, इस्कान बिल्डिंग, इस्कान एरिया नाम आता है इधर का। यहाँ दाहिने घूमना है, ये पानी लेने के लिए लगा है फिल्टर वाटर। दाहिनी तरफ अलखोबर जाता है रास्ता, ओवर ब्रिज ये इधर दाहिने, हमें सीधे अंदर जाना है। बाईं तरफ दमाम अंदर के लिए जाता है और एयरपोर्ट के लिए रास्ता यही जाता है सीधा दमाम। अगर रेड सिग्नल है, सिग्नल से पहले दाहिनी तरफ हमको जाना है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो सिग्नल पे रुक के गाड़ी देख के रेड सिग्नल पे हम जा सकते हैं। अभी रेड सिग्नल है, इधर से दूसरा रास्ता नहीं है, रुक के देख के फिर हम जा सकते हैं।
ये देखिए, यहाँ से दूसरा रास्ता दाहिनी तरफ जाने के लिए नहीं है, रेड सिग्नल है, रुकेंगे, देखेंगे, कोई नहीं है, जाएंगे। अब यहाँ से हमें सीधा जाना है दाहिने जाने के लिए। इधर से अलग से रास्ता है सिग्नल के पहले से, तो इधर से जिसको जाना है इधर से जा सकता है। सिग्नल हो गया, एक और सिग्नल आ गया। सिग्नल खुलने वाला है ये भी। ऑन हो गया, यहाँ पे लिमिट लगी है 70 किलोमीटर पर आवर। अगर सिग्नल बंद होने वाला होता है तो ग्रीन लाइट 4 सेकंड के लिए बंद होती है। उन 4 सेकंड में अगर आप सिग्नल को क्रॉस कर सकते हैं तो ही क्रॉस करें, नहीं तो गाड़ी को रोक लें, क्योंकि जैसे ही येलो लाइट होएगी आप जाओगे, कैमरा चल जाएगा। तो ऐसा धोखा ना कर पाएं।